बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान 2 नवंबर को अपना 55वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस खास मौके पर शाहरुख को दुनिया भर से ढेरों बधाइयां मिल रही हैं। फिल्म बाजीगर से लेकर जीरो तक कई ऐसी फिल्में हैं जिन्होंने शाहरुख को बॉलीवुड का किंग खान बना दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन हिट फिल्मों के निर्माताओं की पहली पसंद शाहरुख नहीं थे, किसी और कलाकार ने फिल्म ठुकरा दी और वह शाहरुख की झोली में आ गिरी, जिसे बॉलीवुड के किंग खान ने हिट बना दिया। आज हम आपको बताएंगे उन फिल्मों के बारे में जिनकी वजह से शाहरुख को किंग खान कहा जाने लगा। लेकिन आगे का वीडियो देखने से पहले आपने हमारा चैनल NN बॉलीवुड अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले, और इसके साथ ही आपको यहाँ दिख रही घंटी भी बजानी है ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। आपको शाहरुख खान की फिल्म दीवाना तो याद ही होगी। इस फिल्म के निर्माताओं की पहली पसंद साउथ के सुपरस्टार नागार्जुन थे, लेकिन नागार्जुन ने डेट्स की वजह से ये फिल्म छोड़ दी, जिसके बाद फिल्म के लिए अरमान कोहली को अप्रोच किया गया। जब यहाँ भी बात नहीं बनी तो निर्देशकों ने शाहरुख खान को रोल निभाने का मौका दिया। फिल्म में शाहरुख खान की एक्टिंग की काफी तारीफ हुई। अब बात करते हैं शाहरुख की एक और फिल्म राजू बन गया जेंटलमैन की। इस फिल्म के लिए फिल्म मेकर्स ने पहले शाहरुख के बजाय आमिर खान को अप्रोच किया था, लेकिन आमिर ने यह फिल्म ठुकरा दी। इसके बाद फिल्म में शाहरुख खान की एंट्री हुई और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की। शाहरुख की बात हो और फिल्म बाजीगर का नाम ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन क्या आपको पता है कि इस फिल्म के लिए भी मेकर्स की पहली पसंद शाहरुख नहीं थे? दरअसल पहले इसे सलमान खान को लेकर बनाया जा रहा था, लेकिन बाद में यह फिल्म शाहरुख को ऑफर हुई। इस फिल्म ने शाहरुख को फिल्म इंडस्ट्री में पहचान दिलाई। SRK की फिल्म डर भी पहले आमिर खान को लेकर बन रही थी, लेकिन जब उन्होंने यह मूवी ठुकरा दी तो शाहरुख को मिल गई। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी हिट रही और आज भी फिल्म के डायलॉग्स लोगों को काफी पसंद है। हाल ही में शाहरुख खान और काजोल की फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के 25 साल पूरे हुए। इस खास मौके पर फिल्म के सभी कलाकारों ने सोशल मीडिया पर फिल्म से जुड़ी फोटोज और वीडियो शेयर किए थे। फिल्मों से दूर इन दिनों शाहरुख दुबई में अपनी IPL टीम की हौसला अफजाई कर रहे हैं। रविवार को शाहरुख की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने गेम में शामिल होने के मौके को बरकरार रखते हुए बर्थडे से पहले उन्हें जीत का तोहफा भी दिया। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और आप कौन से टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इसके साथ ही हमारे चैनल NN बॉलीवुड को सब्सक्राइब करना ना भूलें।